क्या खास है। प्रेमी जोड़ों के लिए 15 रुपए की चाय और प्यार में धोखा खाए खाने वालों के लिए 10 रुपए में चाय। तो हम लोग 10 रुपया वाला पियेंगे, है ना दोस्त। और जिसकी गर्लफ्रेंड नहीं है उसके लिए नहीं ऑप्शन है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। दोस्तों का भाई आ चुका है एक नए डेस्टिनेशन पे और अभी हम बता दें तो हम हैं अभी हनुमान मंदिर के पास। इधर हनुमान मंदिर है और यहाँ पे बहुत ही अच्छा मुझे स्ट्रीट स्टॉल दिखा है और मुझे इनका नाम काफ़ी ज़्यादा यूनिक लगा क्योंकि ऐसा नाम जो है ना मैंने आज तक कहीं नहीं देखा था। सुना भले था कि लोग पेट के लिए कमाते हैं, पेट के लिए रोजगार करते हैं, पर इन्होंने कैसा नाम रख दिया है मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखिए पापी पेट, सब लोग पेट के लिए ही कमाते हैं तो इन्होंने नाम ही रख दिया है पापी पेट। बाकी क्या क्या मिलता है आप लोग देख सकते हैं, बर्गर है, फ्राई राइस है, चिल्ली पोटैटो है, फ्रेंच फ्राई है, चाउमिंग है। और इनका नाम जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा देखने में, इसीलिए मैंने सोचा कि इसको कवर करते हैं। वैसे भी मैं इस समय अपने देवरिया के सारे स्ट्रीट स्टॉल को कवर कर रहा हूँ ताकि इन लोगों को सपोर्टिंग मिले। बाकी हमारे साथ है कपूर भाई, आइए चला जाए। क्या क्या है पूछते हैं एक बार लाइव। क्या क्या है भैया, क्या क्या है? आइसक्रीम रोल है, चाउमीन है, बर्गर है, फ्राइड राइस है, चिली पोटैटो है, फ्रेंच फ्राई है। अच्छा, और भैया यहाँ के ओनर है ना आप, मालिक है ना, तो क्या सोच के नाम रखे पापी पेट? अरे हमने तो निकाले ना, मतलब लोग उसका मतलब हंसी मजाक करेंगे, मतलब नाम। अच्छा, वैसे भी सब लोग पेठी के लिए जी रहे हैं, पेठी के लिए कमा रहे हैं, यूनिक में नाम रखना था भैया को, यूनिक में नाम रखना था तो इसीलिए रख दिए भैया पापी पेट नाम। बाकी स्प्रिंग रोल है, बर्गर है, चाउमिंग है और क्या कहते हैं फ्रेंच फ्राई है। और नाम मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, आपको कैसा लगा नाम? भाई नाम इतना अच्छा लगा ना कि मैं यहाँ पे रुक के सोचा कि भाई इनका कंटेंट जरूर डालना चाहिए। एक बार मैं फिर से यहाँ का एड्रेस बता दूँ, तभी हमें सीसी रोड में ठीक हनुमान मंदिर के ठीक बगल में, और आइए कुछ ट्राई करते हैं। तो दोस्तों अभी हमने जो है ऑर्डर अपना दिया है, एक दिया है चिल्ली पोटैटो का और दूसरा दिया हमने बर्गर का, और यहाँ पे अपना जो है सारा डिश रेडी होने जा रहा है। बाकी आपको प्रोसेस में दिखाते हैं। देखिए भैया उधर टमाटर वगैरह काट रहे हैं, इधर वेजिटेबल्स हो गए, पूरा प्रोसेस आपको दिखाते हैं। नाम मुझे इनका काफ़ी ज़्यादा खास लगा पापी पेट, क्योंकि सारे लोग पेट के लिए ही जी रहे हैं, पेट के लिए कमा रहे हैं, पेट के लिए ही लड़ रहे हैं, एक दूसरे को मार भी रहे हैं ताकि भाई किसी भी तरह से पैसा आए और हम जी सकें। बाकी भैया मेहनत करके कमा रहे हैं और नाम भी रख दिए पापी पेट, अपना बर्गर रेडी हो रहा है। एड्रेस तो आपको हमने पहले ही बता दिया है, चलिए रेडी हो जाता है उसके बाद टेस्ट करके देखते हैं कि टेस्ट इसका कैसा है। तो दोस्तों अभी ब्लॉग शूट करते करते हमारे एक सब्सक्राइबर भी मिल गए हैं, हेलो बोल दीजिए। हेलो गाइस, आप लोग ऐसे प्यार सपोर्ट मिलता रहे बस, बाकी अपना ऑर्डर रेडी हो के आता है तो आपको दिखाते हैं। ये अपना बर्गर बन रहा है और इस बर्गर का क्या कॉस्ट रहता है? 20 रुपया। और ये अपना बर्गर जो है 20 रुपये का है और इसमें पनीर भी जा रहा है, देख सकते हैं। तो इधर टिक्की चला गया, 20 रुपये में आपको पनीर वाला बर्गर रेस्टोरेंट में नहीं मिलेगा। इम्योनिज, ये देखिए पूरा बर्गर वाला हर सामग्री डाला जा रहा है पर इसका कॉस्ट है 20 रुपया। धनिया पत्ता भी गया, नमक, और ये हो गया कटिंग। ये अपना डिस्पोजल प्लेट में सेजवान चटनी और मीठी चटनी के साथ अपना बर्गर एकदम रेडी है। तो फाइनली दोस्तों अपना जो है बर्गर रेडी होके आ चुका है और इसके अंदर क्या क्या डाला गया सब हमने आपको दिखाया, बाकी टेस्ट करते हैं, देखते हैं इसका टेस्ट कैसा है। एक बाइट लेते हैं हम, और ये चिल्ली पोटैटो भी अपना रेडी हो गया, फ्रेंच फ्राई भी सॉरी रेडी हो गया, ये देख सकते हैं। दोनों को टेस्ट करते हैं, टेस्ट देखते हैं कैसा। इनका सिटिंग एरिया भी है, ये आपको दिखाते हैं पापी पेट। इधर सिटिंग एरिया भी है और पहला बाइट लेते हैं, देखते हैं कैसे। देसी बर्गर है ये दोस्तों। बर्गर का टेस्ट तो काफी अच्छा है, इस तरह का बर्गर मैं पहले खाया करता था 20 रुपये पे, एकदम देसी बर्गर यहाँ नहीं मिलेगा, होटल में नहीं मिलेगा। अंकल जी यही खा रहे हैं क्या आप भी कुछ पकौड़ा? अच्छा वहाँ से नहीं। अच्छा, काफ़ी अच्छा लग रहा है टेस्ट होता है। बाबू
अब ट्राई करते हैं फ्रेंच फ्राई। फ्रेंच फ्राई का साइज भी दे सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। और सिजवान चटनी भी दिया गया है इसको, ये देसी सिजवान चटनी ये भी है, मार्केट वाला नहीं है। और इसको देखते हैं, ऐसे ट्राई करते हैं। चटनी घर पे बनता है, जो भी अब सिजवान चटनी है सब घर पे बनता है, तो ये थोड़ा सही रहता है। मार्केट वाला पैकेट में पैक आता है कई दिनों तक, पर ये ताज़ा ताज़ा है, काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट लग रहा है फ्रेंच फ्राई। अब चटनी के साथ ट्राई करते हैं, चटनी जो एकदम देसी चटनी है, लाल मिर्चे का, टमाटर है और भी कुछ डाला गया है क्या, टमाटर लाल हरा मिर्चा भी है, काफ़ी अच्छा लग रहा है, एकदम स्पाइसी लग रहा है, टेस्ट एकदम बेस्ट है। बाकी हमारे दोस्त को रहा नहीं जा रहा है, चलिए अब खाते हैं फिर मिलते हैं। तो फाइनली दोस्तों हमने पापी पेट से जो है ट्राई किया दो आइटम, एक था फ्रेंच फ्राई, दूसरा था बर्गर, जो कि काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लगा और एकदम गांव वाली फीलिंग आई, जैसे गांव एकदम देसी स्टाइल में बर्गर था, देसी स्टाइल में फ्रेंच फ्राई था, जैसे गांव में बना के देते हैं लोग प्रॉपर, मतलब जैसे रेस्टोरेंट वगैरह मिलता है उस टाइप से नहीं था, मतलब स्ट्रीट है तो आप लोग समझ सकते हैं, और ये इलाका भी थोड़ा सा शहर से बाहर पड़ता है। बाकी टेस्ट एकदम बेस्ट लगा, एकदम गाँव वाला याद आ गया, गाँव में जैसे हम जाते हैं तो खाते हैं। और 20 रुपये में बर्गर में आपको पनीर भी मिल जाएगा, पर हम लोगों ने जो भी खाया है रेस्टोरेंट में वो लगभग 60 रुपया 65 रुपया 100 रुपया तक का पनीर वाला बर्गर खाया, पर यहाँ पे आपको 20 रुपये। अब चलते हैं चाय पीने, चला जाए, चलिए चाय पीते, क्योंकि ठंडे का मौसम है, बिना चाय पिए नहीं, चलिए चलते हैं। तो फाइनली हम लोग फास्ट फूड खाने के बाद अभी आ गए हैं देवरिया चिन्नी मिल ग्राउंड के पास, जहाँ पे डिज्नीलैंड मेला लगा हुआ है देख सकते हैं। और बाहर देखिए बहुत सारे स्ट्रीट स्टॉल यहाँ पे भी लग रहे हैं, देख सकते हैं आप लोग, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है। और कपूर भाई भी आ चुके हैं, और आज हम लोग चाय पीने का मन था तो हम लोग आ गए यहीं पे। ये देखिए आई लव देवरिया, और यहाँ पे क्या खास है, प्रेमी जोड़ों के लिए 15 रुपये की चाय, और प्यार में धोखा खाए खाने वालों के लिए 10 रुपये में चाय, तो हम लोग 10 रुपये वाला पियेंगे, है ना दोस्त। और जिसकी गर्लफ्रेंड नहीं है उसके लिए नहीं ऑप्शन है, मान लीजिए 3 कैटेगरी के लोग हैं ना, ये भी हैं और वो भी हैं, सिंगल वाले, दो चाय दे दीजिए, प्यार में धोखा खाए वाला। बाकी यहाँ पे जो है आपको बिस्किट वगैरह बंद वगैरह सब कुछ, बंद भी है ना, मिल जाएगा। हेलो दोस्त, 10 रुपये वाली चाय, क्योंकि पहला वाला हम लोग के पास है नहीं, और दूसरा वाला ऑप्शन था तो हमने वही ले लिया। बाकी चाय जो है कुल्हड़ में मिला हुआ है, और अपने धरती की मिट्टी से बना हुआ कुल्हड़, चाय का टेस्ट देखते हैं कैसा है। चाय तो मस्त है यार, एकदम इलायची वाली चाय, एकदम गाढ़ी चाय है, कैसा लग रहा है? बहुत ही बढ़िया, मस्त लग रहा है, इलायची एकदम डाला हुआ है दबा के, अब गर्लफ्रेंड बन जाएगी। हाँ गर्लफ्रेंड बन जाएगी, क्योंकि भाई इस वाले ऑप्शन को हमने चुना, अब पीने के बाद शायद से ये वाला ऑप्शन हो जाए।